कथा समाप्ति के बाद में वह प्रसाद की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। निहाल सिंह पटेल जी नबलापुरा से, जिन्होंने बूंदी के प्रसाद की व्यवस्था आज की है, उनसे भी उनको भी धन्यवाद करते हैं और साथ में उनको भी यह कहते हैं कि कथा के विश्राम पर अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बदन ठेकेदार गाजीपुर से, जिन्होंने 3 क्विंटल फल की व्यवस्था प्रसाद के लिए आज की है, उनको भी धन्यवाद और वह भी अपनी व्यवस्था। प्रकाशो
देख अब देख कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह कुंज जासुवचन रवि करणिक सियावर रामचंद्र की जय कवर सुत हनुमान महापति महादेव की जय। हमारे बीच में बाबा जी हैं, बाबा जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाइए। साथ ही सतीश चंद नारंग जी, श्रीमती राज नारंग जी, श्री पुनीत तिवारी जी, श्रीमती पूजा जोशी जी, श्रीमती नम्रता जोशी जी, श्री गोविंद शर्मा जी दिल्ली से आए हुए हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए। श्री विशाल पालासर जी, श्रीमती पूजा पालासर जी और बापू सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक बार पुनः सबके लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। मंच पर उपस्थित सभी संतजन और यजमान परिवार से निवेदन है कि आप सभी लोग आरती को यथास्थान विराजित करते हुए मंच को यथाशीघ्र खाली करेंगे। कि आज की मंगलमय कथा का जीवन
Thank you.
प्रातः स्मरणीय उपस्थित
बहुत भक्तजन भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, उपस्थित हमारे संत महापुरुषगण, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से मानस मंदाकिनी नित्य प्रति प्रवाहित हो रही है। इन पर्वतवादियों में सुदूर वन क्षेत्र में आत्म कैलाश निज धाम के हम सभी भोलेनाथ के चरणों में बैठे हुए राम रस पान कर रहे हैं। हमारे श्री पूज्यपाद संत श्री विशाल जी महाराज की अनुकंपा से यह कथा बहती हुई यहाँ आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा, यह कथा विमल है और विमल कथा ही हमारे मैल को दूर कर सकती है। किसी ऐसे महापुरुष का चरित्र श्रवण करके जो निर्विकार हो, जो निर्मल हो, श्रवण करते 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 हमारे मन के दोष मिटते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति से कहा, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, सतान प्रसंग स्वप वर्ग सतान प्रसंगान संविदौ भवन जगत कर्म रसम। हे माता, तू संतों की संगति कर। पूछा माता ने कि बेटे इससे क्या होगा, भवन तरत करने रसा जमा कथा। संतजन व्यर्थ के बकवास नहीं करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। इसलिए हे माता, संतों की संगति में बैठ हरि कथा हो। बेटे इससे क्या होगा, बोले भगवान की कथा श्रवण करते 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 हमारे भीतर के दोष मिटते। कामादि दोष रहितं कुरु मानसं, हमारे भीतर के जो दोष है ये सब मिटते हैं। तो ये प्रमाण हुआ, स्वयं परमात्मा बोले भगवान की कथा से हमारे भीतर के दोष मिटते हैं, मैल मिटते हैं। और जरूरी है, क्योंकि ईश्वर को पाना है तो प्यारे एक ही उपाय है, मन की निर्भरता। इसलिए इस निर्मल कथा को श्रवण करके अपने भीतर के दोषों को मिटाओ, अपने भीतर के मैल को। बड़ी प्यारी बात बताई किसी महापुरुष ने। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु, आपका दर्शन करना हो तो कैसे मिलते हैं आप? कोई आपका दर्शन करना चाहे प्रत्यक्ष तो क्या उपाय है प्रभु, आप ही बता दीजिए तो दुनिया के लोगों को जरा ज्यादा सरल लगेगा। भगवान ने कहा कि भाई कई रास्ते हैं मुझे पाने के लिए। नारद जी ने कहा कि महाराज, कोई आपके नाम की ही एक 108 परिक्रमा मंदिर की रोज लगाए तो क्या आप उसको मिल जाते हैं? भगवान ने कहा, जीवन भर चक्कर काटते रहो तब भी मिलने वाला ऐसे तो नहीं। नारद जी ने कहा फिर, अच्छा अच्छा जो आपके नाम की 108 व्रत करते हैं आप उसको मिलते हो? सप्ताह में 4-4 व्रत करे आप उसको मिलते हैं? बोले नहीं, जीवन भर भूखे रहो तब भी नहीं मिलने वाला। तो नारद जी ने कहा, फिर मालिक आप मिलते कैसे हैं? क्या जो जंगल में जाकर के तप करता बैठा रहे आप उसको मिलते हैं? भगवान ने कहा नहीं। अच्छा महाराज, समझ गया, जो रोज सुबह सुबह गंगा में 108 डुबकी लगाते होंगे आप उसको मिलते होंगे?
भगवान ने कहा गंगा में समाधि ही ले लो, तुम भी मिलने वाला है। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़े कि प्रभु फिर आप मिलते कैसे हैं। तब भगवान ने छोटा सा उपाय बताया। हम सभी गांव वाले भी उस बात को एग्री कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां जहां भी भगवान को पाने की बात आई ना, बिल्कुल सरल उपाय बताया, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं, लेकिन प्रभु को पाना बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सरल उपाय। एक काम करना है, भगवान खुद बोले, निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन सो मोही जब से मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तब से अब पीछे खड़ी फिरे कहत कभी कर। मन को निर्मल कर दो, परमात्मा मिलने को राजी। ऐसे निर्मल मन वाले को प्रभु मिलते हैं, जो भीतर से बहुत सरल, कोई मैल नहीं, कोई छल कपट नहीं, जुबान पर कुछ और दिल में कुछ ऐसा नहीं, जो भीतर है वही बाहर। ऐसे सरल व्यक्तित्व को ही परमात्मा मिलने को राजी होता है। अब देखो, बहुत यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, तप नहीं करना, बहुत ध्यान नहीं करना, सरल सा उपाय, मन को निर्मल कर दो, भगवान मिलने को राजी। निर्मल मन धन सो मोहि पावा। और हम बस यही नहीं करते, बाकी दुनिया के सारे उपाय करते हैं। जो करना है हम वो नहीं करते, बाकी सारे आडंबर करते हैं। असल में इंसान का स्वभाव है, बहुत मेहनत करके जब उसको मिलती है ना कोई चीज, तब उसकी वैल्यू समझता है। सरल रास्ता मनुष्य को पसंद ही नहीं, इसलिए भगवान को भी इतना उलझा दिया है। तो भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, बहुत कठिन है परमात्मा को पाना। जबकि भगवान खुद बोले सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे पाना है तो बस अपने मन को निर्मल कर दो। भगवान शंकर भी बोले, प्रेम ते प्रकट हो ही मैदान, ओ थी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भयान पंडित कोय, बस ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए तो गोपांगनाओं ने कहा उद्धव से, उद्धव ज्ञान चर्चा अब सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, अब उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है।
ज्ञान की बातें करने वाले उद्धव को गोपांगनाओं ने क्या फटकार लगाया। प्रेम बिना सब सुना, भगवान शंकर के सूत्र हैं, ईश्वर को पाना है प्रेम करो। और बस हम प्रेम ही नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। हम मनुष्य का जो स्वभाव है, बस प्रेम नहीं करना, बाकी सब करना। बढ़िया वाली अगरबत्ती दिखानी, खूब फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाना, हाँ, सारे आडंबर रचते हैं हम, बस प्रेम नहीं करते। जिस प्रेम से परमात्मा मिलने को राजी है, हम वो प्रेम नहीं करते। एक आदमी ने भगवान रामानुजाचार्य को जाकर वंदन किया और कहा, बाबा मुझे भगवान का दर्शन करना है। भगवान रामानुजाचार्य ने उसको देखा, मुस्कुराए, अपने पास बिठाया, आओ बैठो, क्या तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो? उसने कहा, और नहीं तो क्या, इसलिए थोड़ी आया हूं आपके पास, बैठने थोड़ी आया हूं। पक्की बात है ना, भगवान का दर्शन करना ही है ना? अरे बोले, हाँ हाँ महाराज, इसलिए तो आया हूं। अच्छा तो एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, राम 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 राम, कैसी बातें करते हैं महाराज, प्रेम? और मैं बहुत सात्विक आदमी हूं महाराज, ये झंझट में पड़ने वाला नहीं। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि जरा फिर से सोच ले, कहीं तो तूने प्रेम किया होगा। अरे बोले महाराज, कैसी बातें करते हैं, मैं और प्रेम, प्रेम देव के झंझट में पड़ता तो महाराज आपके पास आता ही क्यों? नहीं नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मैं ये प्रेम प्रेम के झंझट में पड़ने वाला नहीं। भगवान रामानुजाचार्य ने फिर से कहा कि बेटे फिर से सोच ले जरा, कहीं 1% भी तेरा कहीं किसी से मन लगा हो, प्रेम हुआ हो किसी भी जगह। बोले, नहीं महाराज, हमको कहीं कोई प्रेम नहीं। भगवान रामानुजाचार्य मुस्कुराए और कहा, बेटे फिर क्षमा करना, परमात्मा तुझे मिलने वाले नहीं। परमात्मा उसी को मिलते हैं जिसके भीतर प्रेम तत्व प्रफुल्लित हो रहा है। यदि तूने संसार में कहीं भी जरा भी प्रेम किया होता तो उस प्रेम को मोड़ा जा सकता था, थोड़ा होता तो उसको बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जब तूने प्रेम किया ही नहीं, प्रेम को जाना ही नहीं, तो परमात्मा को कैसे जान पाओ? ये पूरा का पूरा वेदांत शास्त्रों का सार एक शब्द में कह दिया भोलेनाथ ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक शब्दों में चालाकी ना हो, केवल भाव।
मैंने सुना है कि एक छोटा बालक रोज स्कूल जाने से पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता है, प्रणाम करता है और आंख बंद करके करीब 5 मिनट कुछ बोलता है बाबा को। तो एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटे जरा ये रोज आंख बंद करके भोलेनाथ से क्या बोलते हो? तो छोटे बच्चे ने कहा, बाबा मैं भोलेनाथ की स्तुति करता हूं। अच्छा, स्तुति कौन से मंत्र से? उस बच्चे ने कहा, बाबा मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता, फिर कैसी स्तुति करते हो? बोले महाराज मंत्र तो नहीं आता, लेकिन हाँ 3 बार में भगवान के ABCD सुना देता हूं और कहता हूं जो श्लोक आपको अच्छा लगे ना इसमें से बना लेना। मैं आपको कोई श्लोक सुनाऊं पसंद आए ना आए, बोले तुम खुद ही बना दो। आपको नहीं लगता इस बच्चे के श्लोक में, इस बच्चे की स्तुति में कितने भाव है? वहां शब्दों में चालाकी नहीं है, वहां कोई विद्वता प्रदर्शन नहीं है। भाव ऐसे जिसका मन निर्मल है भगवान उसे मिलने को राजी। विमल कथा कर कथा श्रवण करते करते मेरे भाई बहन अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना। केवल सुनो ही मत, कथा भीतर में उतारो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही तो कथा का मतलब नहीं है। जो बात अच्छी लगे उसको भी तो उतारो। इसलिए पता है भगवान ने 2 कान दिए, सुनने के लिए तो एक भी बहुत था ना। नाक तो एक ही दिया है, 2 नहीं बनाई है, एक आगे और एक पीछे। कान 2 बना है वो इसलिए कि जो सुनते हो पसंद ना आए तो दूसरे कान से उसको बाहर। एक एक बार मैंने कहीं ऐसा कहा कि कान भगवान ने 2 इसलिए बनाए कि एक से सुनो और न पसंद आए तो दूसरे से बाहर कर दो। एक छोटे बच्चे ने कहा कि नहीं बाबू आपको नहीं पता, कान 2 इसलिए भगवान ने बनाए, भगवान को पता था कि आगे चश्मा आने वाला है ना, तो चश्मा रखते कहाँ, कान न होता तो अलग से कील ठोकनी पड़ती। इसलिए भगवान ने 2 बनाए। बच्चे तो बच्चे हो जाए। एक बार एक बच्चे ने पूछा, मैं लंदन में था तो वहां पूछा मुझे, उसने कहा कि ABCD आती है बाबू आपको? मैंने कहा कि हाँ आती है। उसने कहा कि एक बात पूछूं आपसे, बताएंगे? मैंने कहा पूछो। उस लड़के ने कहा कि ABCD में जो ये B है A के बाद, ये इतना कोल्ड क्यों है, ठंडा क्यों? मैंने कहा भाई कौन सा वेदांत पूछ रहा है तू, ये ABCD में ये बी ठंडा क्यों है, इसका क्या क्या मतलब? बोले नहीं बस आप बताइए मुझे ये बी इतना ठंडा क्यों, कोल्ड क्यों? मैंने कहा मेरे बाप तू ही बता, मुझे तो नहीं पता, मैंने कोई कभी छुआ नहीं, तुझे महसूस हुआ होगा। बोले AB के बाद C आता है ना, तो AC के बीच में, इसलिए B ठंडा AC के बीच में। मैंने कहा मेरे
बात चरण ला तेरा, कहाँ चरण है तेरा? क्या बुद्धि लगाई उसने, एसी के बीच में भी इसने ठंडा। बच्चे तो बच्चे, हाँ। बाकी परमात्मा दो कान हमको इसलिए दिए हैं कि जो हम सुनते हैं उसको भीतर उतार लें, नहीं पसंद है दूसरे कान से बाहर कर लें। तो कथा केवल सुनो ही मत, श्रवण ही न करो, जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। सुनते 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 अपने मन को निर्मल बनाओ, परमात्मा मिलने को राजी हैं। आइए इस बात को धारण करते हुए कल के प्रसंग पर हम चलें, जहां कल हमने कथा को विराम की थी। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, सारी अवध आनंद में डूबी हुई है, लेकिन यह बात देवराज इंद्र को अच्छी न लगी। सरस्वती मैया को बुलाकर मंथरा की बुद्धि फेर दी गई है और मंथरा ने कई कई मां को भड़का दिया है, और तब कई कई मां रोष में कोप भवन के भीतर जाकर बैठ गई हैं। महाराज अवधेश ने कोप भवन का नाम सुना कांप गए। ऐसे मौके पर अपनी प्रिय रानी कोप भवन, कोप भवन सुनी सकुचे
मानहु सरोष भूंग भामे विषम भाति जैसे कोई सर्पिणी फुफकार लगाने लग जाए ना, महाराज के हाथ को झटक दिया कि खबरदार छूना नहीं मुझे, दूर रही। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का एक नारी ने यहां अपमान किया, फिर भी महाराज अवधेश स्थिति को समझ नहीं पा रहे। महाराज को पता है क्या लगा, ये काम कटाक्ष है। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक ले तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक ले। महाराज को लगा कि काम कटाक्ष है और आप खुद सोचिए, जहां इतनी बड़ी उम्र वाला व्यक्ति काम कटाक्ष की अपेक्षा रखे, वहां राम राजा कैसे बन सकते हैं। और आगे की लाइन में जरा सुनिए तो सही, महाराज ने क्या संबोधन किया, कहीं कहीं मांगो। बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचन पिकल बयन कारण मोही सुना गजगामी कोप कर। हे गजगामिनी आप क्यों नाराज हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बहनी आप क्यों नाराज हैं। अब सोचिए ऐसे शब्द क्या महाराज को अब बोलने चाहिए, क्या शोभा दे रहे हैं, जिसके घर में बच्चे बड़े हो गए हों, शादी हो गई हो बच्चों की, पुत्र वधु आ गई हो घर में, उस घर का बुजुर्ग आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी से ऐसा कहे, हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, कैसा लगे, पूरा मकान शर्मिंदा हो जाए। हाँ, घर में चार पुत्र वधु हो और उस वक्त घर का बुजुर्ग अपनी पत्नी से ऐसा कहे, हे सुमुखी, मुंह में दांत नहीं और सुमुखी। हाँ, इतने से महाराज रुके नहीं, आगे और बोले कि कहू के ही रंग कही करो गए, तुम कहो महारानी तो किसी राजा को रंग बना दो, किसी भिखारी को राजा बना दो, तुम कहो तो मैं किसी को देश निष्कासित कर दू। ये शब्द महाराज अवधेश के नहीं हो सकते। महाराज के मानस पर जो कामना का दूत बैठा है वो नशा बुलवा रहा है। बहुत बोले महाराज अवधेश, फिर भी कई कई के मानस में कोई परिवर्तन न हुआ। महाराज ने कह दिया कि देवी मुझे पता है किसी ने तुम्हें आकर राम राज्याभिषेक की सूचना दे दी है, इसलिए तुम नाराज हो गई हो ना, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। चलो देवी ये क्रोध हटाओ, आज मेरे राघव के राज्याभिषेक की खुशी के उपलक्ष्य में तुम्हें जो चाहिए मांग लो, लेकिन नाराजगी हटाओ। तब कैकेयी अब तिरछी नजरों से महाराज को देखने लगी, मांग मांग पे कहू पिया कबहू की देहू न दे। मांग मांग आपने कई बार कहा लेकिन कभी दिया, हमेशा कहते रहते हो मांग लो मांग लो मांग लो। हाँ, दशरथ जी को लगा कि ये भी काम कटाक्ष है, अभी भी स्थिति को महाराज समझे नहीं। थाती राखी नहीं मांगी ताले सरी गयो मोरा भोर स्वभाव। देवी मैं बोला स्वभाव का हूं ना, तुमने कभी मांगा नहीं तो मैं भूल गया। आज खुशी के मौके पर दो नहीं चार मांग लो, कैकेयी ने कहा चार नहीं बस दो, चलो मांग लो दो ही मांग लो, लेकिन क्रोध हटाओ अच्छे वस्त्र पहनो। कैकेयी महारानी ने कहा कि महाराज ऐसे नहीं, पहले आप राम की कसम खाइए फिर मांगूंगी, जब राम
कसम की बात आई तब महाराज के दिल को धक्का लगा कि मेरे वचनों पर भरोसा नहीं। और पहली बार महाराज अवधेश ने अपने वंश की गर्जना करते हुए कह दिया, रघुकुल रीति सदा सदा चली आई बचन जाई बरु प्राण न जाई। आज स्थिति है बचन जाए तो जाए प्राण तो बचे। लेकिन एक जमाना था कि जब महापुरुष लोग एक बार कह दिए सो कह दिए फिर सिर कट गया लेकिन झुका नहीं। लो महाराणा प्रताप को शिवाजी महाराज सिर कटाना उनको मंजूर था लेकिन सिर झुकाना एक बार तो सिद्धांत कह दिया तो कह दिया फिर प्राण चले गए लेकिन झुके नहीं। और ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक सुरक्षित है, गले में तुलसी की माला सुरक्षित है, कंधे पर युगनों पर भी सुरक्षित है। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज ऐसे ऐसे महापुरुष गुरु गोविंद सिंह कह दिया सो कह दिया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो लोगों में संस्कार दिखाई नहीं देता। कहां गया वो पुराना भारत, कहां गई वो भारत की पुरानी बातें। चंद स्वार्थ के कारण आज हमने अपना जमीर खो दिया। एक समय था कि जब लोग अपने वचनों पर कायम रहते थे, अपनी सत्यता पर स्थिर रहते थे, हाँ सिद्धांत से कभी हटते नहीं थे, सत्यता से धर्म से कोई समझौता नहीं, हाँ लेकिन आज हमारी मानसिकता भीतर से कितनी खोखली हो गई, हमारी सोच कितनी छोटी हो गई। अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों ने अपने आप को कितना नीचे गिरा दिया। राम कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन में प्रार्थना करो, आधी रोटी कम खा लो लेकिन कभी भी असत्य का आचरण मत करना, अधर्म का आचरण नहीं। एक रोटी मिले और आधी दूसरे को देकर के भी आधी खानी पड़े मंजूर, लेकिन असत्य नहीं अधर्म नहीं। अधर्म के रास्ते पर शुरू शुरू में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा प्यार, लेकिन अधर्म का मंजिल जो है वह कष्टकारक होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला माना थोड़े समय तक वो परेशान रहता है, लेकिन याद रखना सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। और अधर्म शुरू शुरू में तुम्हें सुख दिखाई देता है उसमें, लेकिन अंत में वह तुम्हें आंसू ही देता है।
इसलिए राम कथा सुनकर के मेरे भाई बहन यदि आपको अच्छी लगे बात इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। आधी रोटी कम मिले मंजूर, लेकिन अधर्म नहीं असत्य नहीं। और ध्यान देना, असत्य का मार्ग शुरू शुरू में तुम्हें बहुत खुशियां देगा। बड़े मजे में रहते हैं जो शुरू शुरू में अधर्म करते हैं ना, बड़े मजे में। सबको लगता है कि आह इसके जैसा तो कोई सुखी नहीं। लेकिन इसी धरती पर असत्य का परिणाम हमें भुगत कर जाना पड़ता है। गलत मार्ग जो अख्तियार कर लेते हैं उनको इसी संसार में भुगत कर जाना पड़ता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाला थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन अंततो गत्वा वह निर्भीक होता है, निर्भय होता है। और अंत भला तो सब भला, अंत ही हमारा नरक वाला जीवन जीने लग रहा है। अंत में क्या मतलब है इस जीवन का? जीवन थोड़ा जियो, थोड़े परेशान रह लो, लेकिन कम से कम कोई भय तो ना हो, कम से कम निश्चिंत होकर तुम सो तो सको। हाँ, गलत काम करने वाले पूरी रात रात टेबलेट खाकर पड़े रहते हैं बेहोश। वो नींद नहीं है, वो बेहोशी है। नींद अलग बात है और बेहोशी अलग बात है। बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए भी लोगों को मैंने देखा, टेबलेट खाते हैं तब नींद आती है। कई लोग तो इतने बद्र हो जाते हैं कि टेबलेट के बाद भी नींद नहीं आती। उससे वो इंसान सुखी है, कम से कम बिस्तर पर जाते ही आराम से सो तो जाता। हाँ, शुरू शुरू सत्य का मार्ग जो है तुम्हें बहुत मौत दिलाता है। धर्म का मार्ग माना शुरू शुरू में कष्टकारक है, लेकिन अंत भला है। कहा महाराज अवधेश ने, रघुकुल रीत सदा चली आई। देवी हमारे कुल की परंपरा है, हमारे प्राण चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाते, फिर भी तुमको भरोसा ना हो। मैं राम की कसम खाता हूं, और राम कसम खाते ही कई कई के हाथ में काबू आ गई। महाराज बन गए कई कई के हाथ में, और अब कई कई श्रृंगार सली भूषण सदत मृग मनोरातिन। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जैसे कोई सर्पिणी और विषैली हो जाए, ऐसे कई कई नाग और विषैली हो गए। महाराज को वंश देने के लिए चली हैं, आई महाराज के दाहिने हाथ पर अपना बाया हाथ रखते हुए पहला वरदान मांगा। सुनहु प्राण भावत नीका हे हुए बर बर नीका हे हुए बर बर पहले वरदान में भरत के लिए टीका मांगा। टीका के दो अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो टीका का सीधा अर्थ है तिलक, लेकिन टीका का एक दूसरा अर्थ होता है निंदा। हमारे एक महात्मा ने बहुत प्यारा अर्थ लगाया, कल कई मां को यहां थोड़ा बचाया है। हमारी कई कई मां बुरी नहीं है। आप खुद ही सोचो, भरत जैसे संत को जिसने जन्म दिया है वह माता बुरी कैसे हो सकती है? कई कई मां निंदनीय नहीं है। शब्द पर जरा गौर करो, राज्य मांगा होता ना तो बाबा तुलसी बड़े चतुर कवि थे, कहीं ना कहीं शब्द को बिल्कुल लाइन में फिट बिठा देते।
लेकिन यहाँ कहीं कहीं माने राज्य नहीं मांगा, दे एक बर भर कहीं टीका। टीका शब्द का प्रयोग है और टीका का एक अर्थ होता है निंदा। आपने कई बार सुना होगा ना कि वो भाई उसकी टीका कर रहा है, निंदा कर रहा है। कई कई माने मानो अपने बेटे के लिए निंदा मानो। महाराज पहले वरदान में मेरे भरत की निंदा, क्या मतलब मेरे राम की निंदा न हो महाराज, मेरे भरत की निंदा। भरत की निंदा हो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे राघव की कोई निंदा करे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यहां कहीं कहीं के भीतर के भाव को प्रकट किया जाता है। तो निंदा क्यों होगी, ध्यान से सुनना भाई। जो व्यक्ति जहां जिस कार्य के लिए जाए उसको वहां वही करना चाहिए, वरना लोग उसकी निंदा करेंगे। हाँ, तो मैं यहां आया 9 दिन कथा करने के लिए और वहां दुकान लगाकर बैठ जाऊं तो आप हमारी निंदा करो? आए थे कथा करने के लिए और यहां दुकान शुरू कर दी। जो जिस कार्य के लिए जाए उसको वही करना चाहिए। तो भगवान क्यों आए हैं धरती पर? विप्रधेन सुर संत ही तलीन मनुज अवतार। और वो भगवान यदि राजा बन करके अयोध्या में बैठ जाएंगे तो दुनिया उनकी टीका करेगी, निंदा करेगी। इसलिए कैकेयी ने कहा कि नहीं, मेरे भरत की निंदा हो जाए मैं सहन कर लूंगी, मेरे राघव की निंदा कोई न करे महाराज। इसलिए देह एक बर भर नहीं टीका। पहले वरदान में भरत के लिए टीका। और कैकेयी मां जानती थी कि भरत यदि गद्दी पर बैठ गया तो दुनिया भरत की टीका करेगी। लोग कहेंगे कि बड़े भाई को बने भेज दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। भरत की निंदा हो जाए महाराज मैं सहन कर लूंगी, मेरे राघव की कोई निंदा न करे। इसलिए पहले वरदान यहां तो कैकेयी मां के भाव को देखकर साष्टांग प्रणाम करने का मन करता है। मां क्या अद्भुत विचारधारा थी मां की, कई कई बुरी नहीं है प्यारे, ध्यान देना। कोई समझ नहीं पाया मां के भाव को। कई कई मां तो परम वंदनिया है, परम वंदनिया, एक समझ पाए केवल प्रभु राम। बाकी तो भरत जैसा संत भी कई कई मां को समझ नहीं। चित्रकूट की धरती पर जब सभी मिलने गए थे ना, भगवान वन चले गए और चित्रकूट में सब भरत जी के साथ गए हैं राम जी के दर्शन को, और वहां सभी कैकेयी की निंदा करने लगे। यहां तक कि महाराज वशिष्ठ ने भी जब कैकेयी को बोलना शुरू कर दिया तब प्रभु राम के नेत्रों में अश्रुधार बह गए। मेरे प्रभु बोले, बाबा बस मेरी मां को दोष मत दीजिए। दोष दे जननी जड़ दे, जो मेरी मां को दोष देगा वो जड़ है, मेरी मां को दोष मत दो। एक समझ पाए प्रभु राम, बाकी कई कई मां को कौन समझा। आप मानस पढ़कर देखना, कई कई मां फिर कभी बोली? एक बार तो मां कैकेयी को करना था वो कर दिया, उसके बाद फिर कैकेयी कभी बोली नहीं, मौन हो। दुनिया गालियां देती रही, निंदा करती रही, अपशब्द कहते रहे, लेकिन मां कभी भी कुछ बोली नहीं, मौन हो। मैं मेरी समस्या यदि कहूं तो मैं कहूंगा कि धरती पर कैकेयी मां से बढ़कर भगवान राम को प्रेम करने वाला कोई भक्त हो ही नहीं सकता है। अद्भुत प्रेम है कैकेयी मां का। कैकेयी जैसा आम भक्त धरती पर कोई नहीं, जिसने राम की खुशी के लिए सब कुछ क्या नहीं सहा माना। ऐसी कथा आती है कि जब प्रभु छोटे थे संत के तीर पर खेल रहे थे, माँ कौशल्या बुलाने गई, प्रभु नहीं आए।
महाराज उदेश बुलाने गए, फिर भी प्रभु नहीं आए। तब माँ कही कही गई, राघव बेटे चलो बहुत देर हो गई, भोजन कर लो पुत्र। तब प्रभु ने एकांत देखकर कई कई माँ से कहा, माँ एक शर्त पर मैं चलूंगा, तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैकेयी ने कहा कि बोलो बेटे क्या बात। माँ आप विचार कर लो, मेरा वो कार्य ऐसा है माँ कि हो सकता है दुनिया आपकी निंदा करे, दुनिया आपको गालियां दे। कैकेयी ने बिना सोचे कह दिया कि राघव तू खुश होगा ना। हाँ माँ मैं प्रसन्न हूं। बस कैकेयी ने कहा तेरी खुशी के लिए दुनिया मुझे गालियां दे मंजूर है, मेरा पुत्र खुश हो। प्रभु ने कहा कि फिर भी मां एक बार और विचार कर लो, क्योंकि जो बात आपके लिए मैं सोच रहा हूं हो सकता है उसके बाद आपका पुत्र भरत आपको माफ कहना छोड़ दे। कई कई के नेत्रों में आंसू आ गए, राघव ऐसी कौन सी बात है। प्रभु ने कहा कि मां केवल इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपको अपने मां का सिंदूर भी खोना पड़े। कई कई रोने लगी, पुत्र तुम खुश होगे, क्या तुम्हारी प्रसन्नता होगी। प्रभु ने कहा कि हाँ मां मेरे लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मां तू तो जानती है मैं यहां राजा बनने नहीं आया, असुरों का नाश करने आया। विप्रधेम सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। और रघुवंश का नियम है कि जो बड़ा होता है वही राजा बनता है, तो जब मां मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाए ना, उस वक्त मेरे पिता से तुम दो वरदान मांग लो, अयोध्या की गद्दी राम को नहीं भरत को मिल जाए, और राम के लिए 14 वर्ष का वन मांग लो। कई कई फूट फूट कर रोने लगी कि राघव मेरी आंखों के सामने तुम्हें वन में जाते कैसे देख सकती हूं। लेकिन फिर भी राघव की खुशी के लिए, अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए और प्रेम में एक सूत्र है, तब सुखे सुखित्वम, अपने प्रियतम के प्रसन्नता में खुद को प्रसन्न करना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इधर विवाह हुआ है मालिक उधर विवाह हुआ है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये प्रेम का एक स्टेज है। तो राम की खुशी के लिए कई कई मां ने इतना बड़ा त्याग किया, फिर दुनिया गालियां देती रही, अपशब्द कहते रहे, कलंकिनी बोले पापिनी बोले, क्या नहीं कहा लोगों ने, सब सहन किया अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के। इसलिए कई कई मां बुरी नहीं है प्यारे, कई कई बहुत वंदनीय है। हम लोगों ने कई कई की मां को कि कई कई के भाव को समझा ही नहीं। दे हुए एक बर भर और अब दूसरा वर्ण शब्द पर गौर करिए जरा, मागम दूसर वर कर जोरी पुरबहुनाथ मनो
इस चौपाई को जरा सुनिए, कई कई आक्रामक नहीं लग रही है, यहाँ गुस्से में नहीं लग रही है, बड़ी विनम्र दिखाई दे रही है कि महाराज मांगो दूसरा वर कर जोरी, आपसे दूसरा वरदान महाराज में हाथ जोड़ कर मांग रही हूं। तब हाथ जोड़ने का मतलब क्या था? हाँ भाई महाराज ने कसम खा ही ली थी, देना ही था महाराज को, फिर हाथ जोड़ने की जरूरत क्या? नहीं, कई कई यहां बिल्कुल विनम्र हो गई हैं, कई कई जानती हैं कि अब जो मैं मांग ले जा रही हूं उसी पर पूरी कथा टिकी। इसलिए कहा कि महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूं, अब जो मैं मांगने जा रही हूं उसके लिए मना मत करना महाराज, वरना पूरी कहानी पलट जाएगी। बहुत विनम्र हो, कई कई मान कठोर तो है ही नहीं, यहां पूरा का पूरा माने कठोरता का नाटक किया है, कई कई कठोर कैसे हो सकती है? अमृत के वृक्ष में ही अमृत लगता है, हाँ नहीं विष बेल अमी फल पर ही, विष के वृक्ष में अमृत कहां? भरत जैसा संत जहां से जन्म लिया हो उसकी माता कितनी दलिन हो। और अब दूसरा वरदान कई कई मां के मुख से प्रस्फुटित हो रहा है, तापस्वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष तपस्वी का वेश धारण करके, उदासीन व्रत धारण करके, हे महाराज राम 14 वर्ष वन धारण, राम वन जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, महाराज के दिल पर मानो वज्र गिर गए, कानों में बस एक ही बात गूंजने लगी, 14 वर्ष राम वनवासी। दो दीवारों से महाराज के कान में बस एक ही आवाज आ रही, राम वन राम वन। महाराज अवधेश घायल, महारानी ये तुमने क्या मांगा? कह दो कि तुमने मजाक किया है महारानी, मेरे राघव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है देवी? तुमने मजाक किया है न देवी, यदि मजाक किया है महारानी तो कह दो, ये वरदान सुनकर कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। तब कई कई मां पुनः कठोर हो, पूरा नाटक कर लिया कठोरता का, कि महाराज अबला की तरह रोइए मत, आपने क्या सोचा था? कई कई आपसे खाने की कोई चीज मांगी थी क्या? भरत आपका बेटा नहीं क्या? मैं आपकी रानी नहीं क्या? मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे आप? इतना भेद राम और भरत में, जब राम राज्याभिषेक का समाचार लेकर आए तो खुशी के कारण पांव जमीन पर टिकते नहीं थे, मैंने भरत के लिए गद्दी मांग ली तो इतना रोने लगे, इतना भेद करते हैं आप? जब भेद की बात कही तो महाराज के दिल पर एक और चोट लगी, कहा महाराज ने कि बस महारानी आगे मत बोलो, मुझे और दुखी मत करो महारानी, मैंने कब भेद किया राम और भरत में? राम और भरत तो ऐसे हैं जैसे दोनों मेरी आंख, फिर दाई आंख गद्दी पर बैठे बाई आंख बैठे क्या फर्क पड़ता है? कोई आपको पूछे कि आपको दोनों आंखों में कौन सी आंख प्रिय है? दोनों आंखें बराबर प्रिय है। मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहो करिश्मा करो।
राम और भरत ऐसे हैं जैसे दोनों मेरी आंख। फिर दाई आंख बैठे बाई आंख बैठे क्या करते। लेकिन महारानी मैंने तुम्हारी बात मानी, कुल और परंपरा की रीति का मैंने निर्वाह किया। तुम भी मुझसे कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ राम को राजा बनाओ। तुम फिर यदि बोल रही हो कि नहीं भरत, मैं कल भरत को बुलवा लेता हूं, उसको गद्दी पर बिठा देता हूं, लेकिन मेरे राघव के लिए ऐसा कठोर क्यों? मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे वन मत दो। राम वन जाए मैं कैसे जी पाऊंगा, कहीं मेरे प्राण न निकल जाए महारानी। बोल कर रोने लगे, क्या तुम्हें राम पर दया नहीं आती महारानी? जासु सुभाव अरि ही अनुपूर्ण कर जिसका स्वभाव दुश्मनों को भी अनुकूल लगता है। एक बार दुश्मन भी देख ले तो मेरे प्रभु को मेरे राघव को प्रदेश लगाने की सोचता है। ऐसे राघव ने तेरा क्या बिगाड़ा है महारानी, कह दो तुमने मजाक किया। अब कई कई पुनः नाराज हो कहा महाराज बस रोइए मत, या तो मुझे वरदान दे दीजिए और या तो अपने वचन वापस ले लीजिए, या तो सत्यसंध कहलाना बंद कर दीजिए और या तो मुझे वरदान दे दीजिए। आप सत्यसंध है ना, और सुन लीजिए महाराज, राम बन नहीं गए तो मैं कल ही छत से कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगी और दुनिया आपको बदनाम करेगी। मोर मरण राहुरी अजस, सुबह होते होते राम अगर नहीं गया तो फिर मैं मरूंगी, और मैं मर जाऊंगी तो सोचो महाराज दुनिया आपको बदनाम करेगी कि महाराज दशरथ वचन भ्रष्ट थे, अपनी पत्नी को दिया गया वचन निभा नहीं पाए इसलिए पत्नी मर गई। सोच लीजिए महाराज, कई कई के मानस में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत समझाया, होनी को कुछ और मंजूर है, और आज महाराज की जो दशा है इस दशा को देखकर आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई बहन, क्या सपने में भी महाराज दशरथ ने सोचा होगा कि एक दिन मेरे जीवन में वो भी आएगा? यही दुनिया का दस्तूर है। ब्रह्म का पिता भी धरती पर आग असहाय पड़ा हुआ है। हाँ सोचो मेरे भाई बहन, जो स्वयं राम के पिता को भी इस धरती पर आकर रोना पड़ा तो फिर हम आप कौन? हाँ खुद ब्रह्म का पिता भी यहां आकर रोया है। इसलिए जीवन में कोई दुख आए ना इस प्रसंग को याद कर लो और सोचना कि जब राम के पिता भी धरती पर आकर के रोए तो फिर हम आपको सब कोरोना है क्या? यही दुनिया का दस्तूर है। सुनते हैं कि मिलती घर चीज दुआ से, सुनते हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के हम देखें।
शब्द हैं कि मैंने सुना है कि किसी की दुआ मिल जाए तो हर चीज मिल जाती है। ये बात कहां तक सत्य है, हम प्रयोग करें। तो आगे की लाइन में, आगे के शेर में जरा देखिए, उसने अपना अनुभव कहा। दुनिया भी मिली है रमी, दुनिया भी मिला है, दुनिया भी मिली ईश्वर की मर्जी मानकर मेरे भाई बहन हमें दुख भी कबूल कर लेना चाहिए। जब राम का पिता भी धरती पर आकर रोया तो फिर हम आप कौन? पर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं, पूरी रात महाराज अवधेश रोते रहे, को भवन की खिड़कियों से वेद के मंत्र सुनाई दे रहे थे, बाजे गाजे सुनाई दे रहे थे, लेकिन आज वेद के मंत्र भी महाराज दशरथ को अच्छे नहीं लगे। शूल की तरह चुभ रहे थे वेद के मंत्र भी। राम विवाह के समय जनकपुर की सखियों द्वारा गाया गया गाली का गीत भी महाराज को प्रिय लगा था, और आज वेद के मंत्र भी महाराज को अप्रिय लग रहे हैं। समय समय की बात है प्यारे, हाँ, समय सुहावन गारी विरागा, समय को देखकर गाली अच्छी लगी थी, और आज वेद के मंत्र भी ऐसे होंगे पर महाराज को अप्रिय लग रहे, कांटे की तरह चुप रहा। रात बीत गई, पूरी रात महाराज रोहे श्रोते रहे, समय किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह हो गई, आज अवधवासियों की सुबह से भीड़ लगी है महाराज दशरथ के द्वार पर। सोचा था लोगों ने कि आज सुबह सुबह जाकर महाराज को पहली बधाई मैं दूंगा राम राज्याभिषेक की, लेकिन लोगों को क्या पता को भवन की चार दीवारी के भीतर क्या घटना घट गई। लोगों ने सोचा भी था, सुबह हुई, इंतजार करते 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 8 बज गए, अभी तक भीतर से कोई बाहर नहीं आया, द्वार न खुला। तब महाराज वशिष्ठ जी को चिंता हुई, अयोध्या के महामंत्री हैं सुमंत, सुमंत को बुलाकर कहा कि सुमंत जरा देखो इतनी देर अभी तक महाराज जगे नहीं, सुबह 4 बजे जगन आने वाले महाराज प्रातः 8 बज चुका है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है सुमन, जरा देखो भीतर से ठीक तो है ना। जाओ सुमंत जगाओ जाई, जाओ सुमंत जगाओ जाई, जाओ सुमन जरा देखो, और फिर ऐसी
कथा है कि सुमंत आए हैं, सुबह सुबह मंथरा द्वार पर मिली। मंथरा को देखते ही समझ गए कि सुबह सुबह इसका दर्शन हुआ, मतलब अपशकुन हुआ। पूछा, कहाँ है महाराज, कहाँ है महारानी? मंथरा ने कह दिया कि हमें क्या पता, हमने तो कल रात को कोप भवन जाते देखा था। कोप भवन? महामंत्री सुमंत भी डर गए कि ऐसे मौके पर कोप भवन। डरते डरते पांव आगे बढ़ाए तो कोप भवन में जाकर जब देखा, चांद तेज ही होकर मानो धरती पर गिरा पड़ा। ऐसे महाराज अवधेश धरती पर बेहोश पड़े। राम 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 मुख से आवाज निकल रही थी। सुमंत घबरा गए, प्रणाम किया, महाराज महामंत्री सुमंत का प्रणाम दीजिए। क्या हुआ महाराज, बाहर अवध की प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप यहां इस वक्त बेसुध, क्या हुआ? तब महाराज को होश आया, कहा सुमंत अवध की प्रजा से जाकर क्षमा मांग लो महामंत्री, कह देना मैंने अपना वचन अपना वादा निभा नहीं पाया। अब राम राजा नहीं बन रहा है सुमन, मेरे राम को बन जाना है। तो कहते 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 महाराज पुनः बेहोश हो गए। महामंत्री सुमंत को समझ न पाए, कई कई मां को पूछा कि महारानी क्या मैं महामंत्री होने के नाते पूछ सकता हूं महाराज को क्या हुआ? कह गई ने कहा कि क्या हुआ ये कहना तो मुश्किल है महामंत्री जी, लेकिन हाँ पूरी रात महाराज राम राम बोल रहे थे, तो शायद मुझे लगता है कि आप राम को लेकर यहाँ आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान राम सुबह सुबह स्नान करके पूजन करके बैठे थे, अभी वस्त्र भी न बदले थे। भगवान को पता था अब वस्त्र बदलने का समय कहां है, वैसे ही बलकर वस्त्र पहने हुए थे। उसी समय सुमंत आए राघव, और भगवान ने क्या भाव से सुमंत जी को प्रणाम किया, मानो पिता की कक्ष में आए हैं। अपने पिता की तरह सुमंत को सियाजो ने और प्रभु ने दोनों ने प्रणाम किया। बाबा मेरे पास सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? सुनते ही सुमंत के आंख से अश्रु धार बह पड़े। राघव सब ठीक है पुत्र, चलो कहीं सब बिगड़ न जाए। भगवान आशंकित होकर सुमंत के पीछे निकले। अब सुमंत का इस प्रकार आना, राम को इस प्रकार अंदर ले जाना, लोगों को और सशंकित कर दिया, और सशंकित हो गए लोग। जरूर कोई घटना घटी है बेटा। लोग चिंता करने लगे क्या हुआ, और यहां जब प्रभु भीतर आए, पहली बार में प्रभु ने दुख देखा। इसके पहले मेरे प्रभु ने कभी दुख नहीं देखा, पहली बार। महाराज देश इस तरह से रो रहे थे बेहोशी अवस्था में, दौड़ कर मेरे प्रभु पिता के चरणों से निपट गए। पिताजी ये क्या हालत हुई आपकी, सब ठीक है ना? क्या मुझसे कोई भूल हो गई पिताजी? आज आपने अवध की प्रजा को वचन दिया था कि मुझे आप युवराज बनाएंगे, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? क्यों रो रहे हैं? भगवान राम के मधुर वचन कान में गए मानो अमृत मिला। महाराज
नेत्र खोले, राघव को निहारने लगे, सिर पर हाथ फिराने लगे और देखते 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 पुनः अश्रुधार बहने लगे, बेहोश हो गए, कुछ बोल न पाए। भगवान राम को समझ नहीं रहे थे। महामंत्री जी को पूछा, बाबा आप बताइए ना मेरे पिता को क्या हुआ। हम चार भाइयों के रहते मेरे पिता को इस प्रकार रोना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा बताइए ना मेरे पिता को क्या हुआ। तब महामंत्री बोले, राघव आज रघुवंश की सेवा करते करते मुझे 14 वर्ष बीत गए, मुझे मेरी पूरी उम्र बीतती जा रही है, लेकिन सच बताऊं पुत्र, आज जो मैंने महाराज के चेहरे पर दुख देखा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दुख कभी नहीं देखा। तब प्रभु ने कई कई मां को पूछा, मां तू बताना मोही कहूं मात तात दुख का, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है मां। कई कई ने कहा कि राघव कल रात्रि जब महाराज मेरे पास आए ना, तो मैंने उनसे एक वरदान मांगा कि अयोध्या की गद्दी राम को नहीं भरत को देना, बस इस बात से इतने दुखी हो गए। ये बात सुनते ही भगवान राम मुस्कुरा दिए, क्या आखिर मां तो मां ही होती है, बेटे के दिल की बात समझ गई। कल मैं शाम को सीताजी से कह रहा था कि हे सियादु, हमारे कुल की ये परंपरा मुझे अच्छी नहीं लगती है कि बड़े को ही राजा बनाया जाए। मैं सोच रहा था कि मेरा भरत गद्दी पर बैठ जाए, और देखो मेरी मां ने समझ ली बात को, बहुत अच्छा किया मां। लेकिन मां इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता इस तरह से गायब होना है, नहीं नहीं मां ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिता को, राम और भरत तो उनके लिए दोनों आंखें। मैं जानता हूं मां मैंने कोई अपराध कर लिया है, कोई गलती हो गई है मेरे से, और तुम उससे छुपा रही हो। जब ऐसा कहा तो प्रभु की इस सरलता को देखकर कई कई मां फूट कर रो पड़ी, राघव तुम अपराध योग्य नहीं पाता, बेटे तुम अपराध के योग्य नहीं हो पुत्र, ऐसे मत बोलो, तुम कभी अपराध कर ही नहीं सकते हो, ऐसे मत बोलो, अपराधी तो मैं हूं राघव, मैंने तुम्हारे पिता से एक और वरदान मांगा, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वन, राम वन की बात सुना के प्रभु ने, अब प्रभु कई कई को मां कहना बंद कर दिया, ध्यान देना, अब तो प्रभु राम ने कई कई को जननी से संबोधन किया, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी का सिद्धांत है, किसी बात को विशेष पुष्ट करना हो ना तो 3 बार कहते हैं, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, 3 बार पढ़ेंगे।
मतलब पक्की हो गई बात। और इस प्रसंग में तीन बार अग्रणी शब्द का प्रयोग आया, यहाँ साहित्यिक दोष माना गया है कि किसी भी बड़ी उम्र की महिला को माँ तो कहा जा सकता है, जननी नहीं। जननी वो होती है जो हमारी धन्यता है, जिसने जन्म दिया। तो भगवान राम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना, असल में राजकुमार राम को जन्म देने वाली कौशल्या माँ है, लेकिन वनवासी राम को जन्म देने वाली तो कैकेयी माँ है। इसलिए आज से भगवान कैकेयी को भी जननी कहेंगे। वनवासी राम की जननी तो हमारी कैकेयी माँ है। कहा माँ तू क्यों इतनी परेशान होती है? ये तो मेरे लिए फायदे की बात है ना। मैं वन में जाऊंगा, तेरी आज्ञा का पालन होगा, मेरे पिताजी का वचन निभाएगा, मेरा भरत गद्दी पर बैठ जाएगा, ऋषि महात्माओं के दर्शन होंगे, और माँ इन सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि मेरा प्राण प्रिय भरत गद्दी पर बैठ जाएगा। प्रथम गनी मोहि मूड समाद विधि सब विधि मोहे सनमुख आजू भरत प्राण प्रिय कौशल्या को प्रणाम करके जाता हूं। माँ कौशल्या को भाव मूर्ति है, उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं। वो तो राघव के लिए सब कपड़े निकाल कर बैठी थी कि आज कौन से कपड़े में पहनाऊं। प्रभु ने जाकर माँ को वंदन किया, बार बार मुख चुंबती माता, राघव के मुख को चुंबन किया। क्या बात है पुत्र, आज बहुत शांत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ कहना चाहता है। द्वार पर एक किनारे को पकड़कर प्रभु खड़े थे। मां तुम सहन कर सको तो मैं बताऊं। बोलो पुत्र क्या बात। भगवान ने डरते डरते अपने पिता का बचाव करते करते मां से कह दिया कि मां पिताजी ने जो वचन दिया था ना मुझे राजा बनाने का, मेरे पिता ने वो वचन निभा दिया। मां मेरे पिता का वचन निभ गया, मेरे पिता ने मुझे आज सुबह सुबह राजा बना दिया मां, लेकिन यहां का नहीं, मुझे मेरे पिता ने वन का राजा बनाया। पिता दीन मोहे कानन राजू, वन की बात सुनते ही मां कौशल्या के हाथ से आरती की थाल छूटी। बचन विनीत बचन विनीत मधुर प्रभुवर के सरसंग लगे मातु पुर।
भगवान के मधुर वचन तीर की तरह चल गए मां के दिल। रोने लगी मां कौशल्या, राघव कौन सी भूल कर दी तुमने, क्या अपराध कर दिया तुमने पुत्र? मैं तेरे पिता को जानती हूं, तेरे पिता तुझे इस तरह वन तो नहीं दे सकते हैं पुत्र, जरूर तूने कोई अपराध किया होगा ना? प्रभु ने कहा कि नहीं मां, मेरी मां को कह गई कि ऐसी इच्छा है, मैं 14 वर्ष वन जाऊंगा। और मां देख कितने फायदे होंगे, वन में कितने ऋषि महात्माओं के आशीर्वाद मिलेंगे मां। हाँ, जब कौशल्या ने सुना कि कैकेयी ने वरदान मांगा, मां कौशल्या मौन हो, नेत्र सजल हो गए, सिर झुका लिया। राघव यदि केवल तेरे पिता की आज्ञा होती ना पुत्र, मैं तुझे रोक लेती, मैं तुझे दाने नहीं देती, लड़ जाती तेरे पिता से। लेकिन कैकेयी ने वरदान मांगा है ना पुत्र, कैकेयी भी तो तेरी माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत थोड़ी सोचती। जाओ पुत्र, तेरे लिए वन 100 अयोध्या के बराबर है। जाओ पितु मां तू कहो बन जा, कह दिया। और फिर भवन के खंभे को पकड़ कर रोने लगी, भगवान दौड़े की मां तू ही धैर्य छोड़ देगी तो मैं कैसे जा सकूंगा मां? जाओ पुत्र, मैं से नहीं रो रही कि तुम जा रहे हो, मैं तो इसलिए रो रही हूं अब तुम्हारे जाने के बाद इस अयोध्या का क्या होगा। आज बन कितना बड़भागी हो गया ना पुत्र, बड़भागी बन अवध स्वभागी, बड़भागी बन अवध स्वभागी। आज अयोध्या का भागी हो गई बन बड़भागी। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र पहनकर भगवान सुमंत के द्वारा लाए गए रथ पर विराजमान हुए, रोती विलखती अयोध्या को छोड़कर भगवान चलने लगे। सरयू का जल शांत हो गया, बछड़ों की चंचलता खत्म हो गई, पक्षी घरों में बैठे शांत हो गए, बुजुर्ग बूढ़े लोग घर के द्वार पर बैठे हुए हो रहे,
आज बच्चों में उत्साह नहीं रहा। अवध की धरती मानो किसी के वियोग में रो रही है। ऐसे पूरी अयोध्या अश्रुपूरित हो गई। मुख मोड़ चले अब आज हमारे अयोध्या छोड़ो मेरे राम अयोध्या जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है भैया वैसे ही अब प्रार्थना करने आया हूं कि जब मेरा भरत गद्दी पर बैठ जाए ना तो मेरी ओर से आप उसको आशीर्वाद देना और कहना स्वप्न में भी अनिति न हो जाए ऐसे राज्य करेगा। और हां गुरुदेव हो सके तो वन में किसी दूत को विधवा कर हम लोगों को सूचना करवा देना ताकि भरत गद्दी पर बैठे तो मैं लक्ष्मण और सीता तीनों मिलकर राम मेरे भरत के राज्याभिषेक की खुशी मनाएंगे अपनी कुटिया को सजाकर भरत के राज्याभिषेक की खुशी मनाएंगे कहकर भगवान आगे बढ़े। तमसा नदी पार करके एक रात्रि भगवान वहां मुकाम करते हैं और फिर वहां अवधवासियों को भी भगवान छोड़ दिए और आगे बढ़े और चलते 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 भगवान श्रृंगवेलपुर की तरफ सीता सचिव सहित दो
भगवान वहां से और आगे बढ़े, सुरसरी गंगा के दर्शन। तीर्थ की ऐसी मर्यादा है, तीर्थ में हो सके तो पैदल चले। भगवान रथ छोड़ दिए, गंगा माँ को प्रणाम करते हैं। कितना आदर दिया प्रभु ने, स्वयं जिसके चरणों से गंगा निकली है हम, उस गंगा को प्रभु ने कितना आदर दिया, प्रणाम किया गंगा मैया को। और फिर ऐसी कथा है, भगवान गंगा मैया को प्रणाम करके वहां स्नान किए हैं और फिर वहां से और आगे बढ़े तो श्रृंगवेलपुर आते हैं और वहां निषाद राजगुह भगवान का परम सखा। एक रात्रि भगवान वहां मुकाम करते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान चलने को तैयार हुए। अब महामंत्री सुमंत को ही विदा करने लगे। सुमंत गाना नहीं चाहते थे, लेकिन बरबस भगवान समझा कर उनको विदा किए और सुमंत को भेज कर भगवान गंगा के तीर पर आए। यहां से मानस का एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है। बरबस राम सुमंत सुरत सिला भई नारी सुहाई।
याद करिए, आपके चरणों से जनकपुर जाते हुए एक पत्थर की शिला लगी तो उसने महिला हो गई ना। तो भगवान ने लखन की ओर देखा कि लखन जी इसको कैसे पता था, ये तो जनकपुर जाने की घटना है। केवट ने कहा महाराज मैं बता दूं, आप अहिल्या का उद्धार करके गंगा स्नान करने गए थे ना, और मैं गंगा का केवट हूं, मैं नाव लेकर उस वक्त वहां खड़ा था और मैंने खुद देखा, और उस वक्त महाराज ने नाव लेकर वहां से भाग गया कि बाप रे जिसके चरण पत्थर को स्त्री बना सकते हैं तो मेरी नाव की क्या हालत होगी। मैं भाग गया था महाराज वहां से, और आज फिर मैं पकड़ा गया। क्षमा करना महाराज, मैं आपको नाव पर बिठाने वाला नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें यहां खड़ा रहो। केवट ने कहा महाराज मैं क्या कर सकता हूं, आप खुद ही सोचिए। ही प्रतिपालम सब परिवार महाराज, आपके पांव कहीं मेरी नाव को स्त्री बना दिए तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। एक तो आजीविका का साधन खत्म, हाँ, और ऊपर से परिवार में बढ़ोतरी। नहीं नहीं महाराज, क्षमा करना, मैं आपको नाव पर बिठाने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हम लोग खड़े रहे। केवट ने कहा नहीं नहीं महाराज, एक उपाय है, पार जाना है यहां से और मेरी नाव से। तुम्हारा एक उपाय बता देता हूं, जो प्रभु पार सीधा निकली है ना वो शिव के सिर से बहती है, लेकिन जो इनके चरणों से गंगा निकली ना वो तो मेरे पैरों के नीचे बहती है, फिर भला मुझे मानने की क्या जरूरत इनकी आज्ञा। देखो महाराज सीधी सी बात, मुझे ज्यादा बातें नहीं आती हैं, पांव धोए बगैर तो नाव पर बिठाने वाला नहीं, ये पक्का। और हां, आपको ऐसा लगे ये मुझे पार करके उतरा ही लेगा, तुम्हारा उसके लिए मैं आपको कह देता हूं मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। जरा केवट की भाषा में सुनिए, बाबा तुलसी के शब्द, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, कमल धोई चढ़ाई नाव,
केवट ने कहा, महाराज सुनो, पांव धोए बगैर मैं नाव पर बिठाने वाला नहीं, ये पक्का है। और आपको ऐसा लगे कि ये मुझे पार करके मेरे से उतराई मांगेगा तो सुनो महाराज, आपकी कसम मैं उतराई नहीं लूंगा। और इतने से भरोसा ना हो तो फिर आपके बाप की कसम सुन लो, जब बाप की कसम खाई ना तब लक्ष्मण को नहीं रहा। लक्ष्मण के तरकस में तीर उछलने लगे गुस्से में। लक्ष्मण जी ने तीर निकाला तरकस से और चलाया, कहा क्यों भगवान ने तुझे थोड़ा सा बढ़ावा क्या दिया, बढ़ता बढ़ता बाप को पहुंच गया, छोड़ूंगा नहीं मैं। लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ा दिया। केवट हंसने लगा, केवट डरानी, केवट ने भगवान को कहा लो प्रभु ये कैसी उल्टी गंगा बह रहे हैं, एक तरफ आप मांग रहे हैं दूसरी तरफ आपका भाई आंख दिखा रहा है। हाँ महाराज, मांगना हो ना तो आंख नहीं दिखाना चाहिए। खैर आपका भाई मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, मुझे तो फायदा ही होगा महाराज। भगवान ने कहा क्या फायदा होगा, बोले महाराज देखो मैं मर गया ना तो मेरी पत्नी रोते रोते आएगी और आपसे कहेगी कि महाराज कोई बात नहीं, आप ही ने जन्म दिया था तो आप ही ने मार दिया, तो एक काम और भी कर दीजिए प्रभु, मेरे कोई बच्चे तो है नहीं, एक काम करिए अंतिम क्रिया भी आप ही कर दीजिए। तो अंतिम क्रिया में महाराज आपको शामिल होना पड़ेगा और जब हमारी शव यात्रा निकलेगी ना और आप साथ में चलेंगे तो गांव के लोग आपसे कहेंगे ओ महाराज जब साथ चल ही रहे तो जरा कंधा भी लगाइए। तो महाराज कंधा लगाना भी पड़ेगा और मर जाने के बाद भी जिसको मेरे भगवान कंधा दे दे उसको दुनिया में कौन गिरा सकता है। महाराज धन्य धन्य हो जाएगा। लखन समझ गए, लखन ने सोचा कि ये क्या कंधा देंगे, मुझे कहेंगे कि लखन तू लगा दे कंधा, और जब मुझे ही कंधा लगाना है तो फिर मारना क्या, तीर पीछे कर दिया लक्ष्मण जी ने। केवट हंसने लगा कि नहीं नहीं महाराज चलाओ बाण, पर याद रखना पांव धोए बगैर मैं तुम्हें भी नाव पर बिठाने वाला नहीं। पर बरुतीर मारहूं लखन पे, केवट की है प्रेम भाई अटपटी बानी, प्रेम में सराबोर बानी। जब भगवान ने सुना तो भगवान को बहुत हंसी आ गई। और वन की यात्रा पर जब से सरकार निकले थे ना आज पहली बार इतने हंसे हैं प्रभु, बहुत हंसे। बिहसे करुणाएन बिहसे करुणाएन चित्त
लेकिन जब भगवान हंस रहे हैं तो चीतई जानकी लखन कर, जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे हैं प्रभु। तो किसने पूछा कि इसका क्या मतलब, जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे? बोले इसलिए हंस रहे भगवान कि उन दोनों को कहना चाहते हैं कि हे सीता तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे जनकपुर आया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, फिर भी मैंने तुम्हारे पिता को दाहिने पैर का एक अंगूठा ही धोने दिया, लेकिन आज ये केवट है ना, ये देने लेने वाला कुछ नहीं लेकिन दोनों पांव धोने वाला, इसलिए भगवान को हंसी आ गई। अथवा तो लखन को देखकर मानो हंसे होंगे प्रभु कि लखन को दे याद है जब तू छोटा था मेरे ही पालने में सोता था और मेरे पग के अंगूठे को चूसते हुए तुझे नींद आती थी, जिस दिन तुझे पांव का अंगूठा नहीं मिलता था रो रो करते सब बुरा हाल कर देता था सबका, एक पैर के अंगूठे के लिए तू कितना परेशान रहता था हाँ, और आज तेरे सामने है ना ये केवट दोनों का दोनों पैर ही धोने वाला है, तू भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए भगवान को बहुत हंसी आई और हंसते हंसते भगवान ने केवट को इजाजत दे दी। बेगियानी जल पाय पखारू, बेगियानी जल तो केवट अपनी नौका से पात्र नहीं लाया धोने के लिए, गंगा के किनारे किनारे जाने लगा। भगवान ने कहा कि मेरे भाई उधर कहां जा रहे हो, यहां पानी यहां है, पानी लाकर पांव धोना। केवट ने मुस्कुराकर कहा प्रभु क्षमा करना, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कोई भी शुभ काम करना हो ना तो घरवाली के बिना नहीं करना चाहिए, महाराज लेने जा रहा हूं घरवाली को। अब लखन चिढ़ गए कि महाराज जी घरवाली को लेने जाएगा और हम यहां खड़े रहे तब तक हमको देर हो रही है महाराज। प्रभु ने कहा कि क्या करूं, फंसा हूं तेरी तरह में, जाओ और केवट अपनी पत्नी को लेकर जब चला तो उसके मन में एक बात आई कि घरवाली को अकेला लेकर जाऊं तो गांव वाले क्या कहेंगे कि बड़ा स्वार्थी है, अकेला अकेला धो लिया तो सब गांव में भी हल्ला मचा दिया कि भाई जिसको पांव धोना हो ना भगवान का आओ मेरे साथ आओ। अब कौन गांव का आदमी भगवान का पांव धोना न चाहे, हाँ पूरा गांव एकत्र हो गया, सब पीछे पीछे केवट गया। अब इतनी बड़ी समाज को लेकर केवट आ रहा है, लक्ष्मण जी दूर से देखे, लक्ष्मण की धड़कन बड़ी, भगवान से कहने लगे महाराज लो लो देखो गया था घरवाली को लेने, पूरे गांव को ला रहा है। अब कहीं आकर के ऐसा नियम लगा दिया कि एक एक करके पांव धो महाराज 14 वर्ष यहां खड़े खड़े बीत जाएगा। भगवान ने कहा क्या करूं बस यहां हूं। केवट को फिर से कहा कि केवट ये क्या है भाई, जल्दी मेरा पांव धो मुझे पार उतारो। तब केवट उठा, केवट राम रजाय सुपारा, केवट राम रजाय सुपारा, पानी कठवता न
भगवान ने कहा तू भी कमाल है। मैंने कहा था बेगियान जल पांव पखारे, हाँ जल लेकर और तू पानी लेकर आया। गंगा के जल को जल कहा जाता है, पानी नहीं। केवट ने कहा कि सरकार ये गंगा आपके लिए जल होगी, हाँ मेरे लिए तो पानी ही, क्योंकि गंगा भी बड़े लोगों को तारती है, हम गरीबों के खानदान यही मरते हैं और इसी के किनारे भटकते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आज इस पानी से एक ऐसा चरणामृत का जल प्रकट करूं जो हम जैसे दीनहीनों को भी भव सागर पार कर ले। अब भगवान के चरण धोने के लिए केवट पीर पर खड़ा है। लकड़ी के उस पात्र में, कठौत में, जो नाव को जल से बचाती है, जब नाव में कभी पानी भर जाता है ना तो उसी से उलीच आ जाता है, उस पात्र में भगवान का चरण धोने के लिए एक हाथ से पात्र पकड़ा है और भगवान का एक चरण उठाकर उसमें रखा है और फिर दूसरे हाथ से जल डालकर भगवान का चरण धोने लगा। अति आनंद केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। क्या सौभाग्य होगा केवट का, जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं, शिव इत्यादि सब लाइनों में खड़े रहते हैं, आज उस सौभाग्य को ये केवट प्राप्त कर लिया। हाँ देवता लोग भी विमानों पर बैठकर उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, धन्य है। अब केवट भी चरण धोते धोते इतना भाव मग्न हो गया, केवट के तन को सुधि बुद्धि ने, इसका बैलेंस बिगड़ गया, शरीर जरा कंपित होने लगा, तो हाथ में कठौत है, कठौत भी हिली और उसमें भगवान का पांव है, पांव भी हिला और एक पांव पर भगवान खड़े थे तो भगवान भी हिलने लगे। लक्ष्मण जी ने संभाला, भगवान ने केवट से कहा कि केवट ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा, ऐसे पांव धोते हैं। केवट ने भगवान की ओर देखा, कहा मालिक चुपचाप खड़े रहो, पार जाना है तो हम मैं जैसा धो रहा हूं मुझे धुलने दो, वरना मैं नहीं धोता। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है केवट, ये तू ऐसे हिला रहा है तो मैं गिर जाऊं, तेरा इरादा क्या है। केवट ने कहा अच्छा आपको डर लग रहा है, बलि राजा के यहां जब बामन बनकर गए, हाँ तीन पग पृथ्वी मांगी और नापना हुआ तो विराट बनकर जब पहला पांव आपने उठाया था सात लोगों को नापने के लिए, तो आपको डर नहीं लगा था महाराज कि आप गिर जाओगे तो।
हम गरीबों के पास आपको डर लग रहा है, हाँ थोड़ा सा पैर उठाना पड़ा है। कोई बात नहीं महाराज, आपको डर लगता है ना, एक काम करिए, अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। केवट को देखकर लक्ष्मण भी हंसने लगे, कहा महाराज ये ठीक कह रहा, आपका हाथ पड़ेगा ना इसकी बुद्धि शुद्ध हो गया केवट की, हाँ चरण भी धो लिया और दोनों हाथ भी सिर पर रखवा लिया। केवट ने हंसते हुए लक्ष्मण भैया को कहा, लखन भैया प्रभु कृपा से बुद्धि तो तेज थी ही, अब राम कृपा हो गई ना, अब और तेज हो गई हमारी, चरण धो लिया। भगवान ने कहा केवट अब नाव पर बैठो। केवट ने कहा मालिक बस दो मिनट, अब क्या बचा। बोले महाराज ये चरणामृत हो गया है ना, चरणामृत है तो महाराज इसको ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले सबको बांट दिया जाए, गिर जाएगी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए सबको पिला दिया जाए। भगवान ने कहा ठीक है पिला दे। प्रभु ने सोचा कि अपने परिवार जनों को पिलाएगा। केवट ने तो हल्ला मचा दिया, जिसको भी भगवान का चरणामृत लेना हो आ जाओ लाइन में लग जाओ। पूरा गांव, पड़ोस वाला भी गांव, उसके बगल वाला भी गांव, और यही नहीं ऊपर से 33 करोड़ देवताओं ने देखा, वो भी उतर आए कि हमको भी मिल जाए चरणामृत। अब प्रभु का चरणामृत कौन न था, बहुत बड़ी लंबी लाइन। केवट खुद पुजारी बना और चरणामृत बांटने लगा। सीता जी ने देखा लक्ष्मण भैया देखो ना कितना अच्छा अवसर है भगवान का चरणामृत, तुम भी लेकर आओ ना हम दोनों ले लेंगे। लक्ष्मण जी चढ़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा मां उसके सामने मैं मांगू, नहीं मैं हाथ नहीं फैलाने वाला, क्षत्रिय हूं मैं। सीता जी ने कहा कि ओ लखन जब ऊपर से ही मांगने की शुरुआत हो गई तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, मांगी ना हा? जब मालिक ने ना मांग ली जा लेकर आ। लक्ष्मण जी समझ गए कि यहां बात नहीं चलने वाली। आए अब केवट ने नियम ऐसा बनाया था कि जो लाइन में आएगा ना चरणामृत उसको ही मिलना है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतनी लंबी लाइन को सबसे अंत में तो मैं ही लगूंगा, तो लखन प्रभु के भाई है ना तो थोड़ा सा प्रभाव दिखाने, लक्ष्मण जहां बीच में जाकर के हाथ फैला दिए, केवट थोड़ा चरणामृत देना। जब लक्ष्मण को ऐसा देखा ना केवट बड़ी बड़ी आंखें निकालने लगा कि तुम यहां बीच में लाइन तोड़ दिए, चरणामृत देना हो तो चलो पीछे लाइन में लगो। लक्ष्मण जी को लगा कि पकड़ो इसी गर्दन भी मैं, लेकिन मांगना है चरणामृत लेना है, लखन भी पीछे लगे, सबको चरणामृत दे दिया। भगवान ने कहा केवट अब नाव पर बैठता हूं। केवट ने कहा मालिक बस 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 दो मिनट और थोड़ी देर भाई अब क्या बचा। केवट ने कहा मालिक मैंने इस घाट पर ऐसा नियम बनाया है कि जो लाइन में सबसे पहले आएगा ना पहले मैं उसको पार उतारूंगा। भगवान ने कहा हद हो गई, सुबह से पहले तो लाइन में मैं ही यहां पर खड़ा हूं ना, मेरे आगे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा यही तो बात है मालिक, हम गरीबों की लाइन तो किसी को दिखाई नहीं देती है। अरे आपसे पहले हमारे कितने पूर्वज यहां लाइन में खड़े हैं जो बेचारे यही मरे थे और अभी तक यहां घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं आज चरणामृत पहले उनको पिला करके पहले उनको पार कर दिया जाए महाराज, फिर आपको पार कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है सर ऐसा कर। तो केवट ने तुरंत पूछा कि महाराज एक बात पूछूं, आप दोनों पढ़े लिखे हैं कि नहीं। लक्ष्मण जी फिर नाराज हुए कि क्यों अब पढ़े लिखे को ही नाव पर बिठाने वाला है क्या, क्या बात। केवट ने कहा नहीं नहीं मतलब पढ़े लिखे हैं तो आपको कर्मकांड भी तो आता होगा ना, पूजा पाठ करवाना। प्रभु ने कहा कि हाँ आता, गुरुकुल में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो केवट ने कहा मालिक
अब पंडित ढूंढने कहां जाऊं? एक काम करिए ना, आप ही दोनों मंत्र बोल दीजिए और उन्हीं मंत्रों से पितरों का तर्पण कर देता हूं। लक्ष्मण जी चिढ़ गए। लखन ने कहा मैं नहीं करने वाला। प्रभु ने कहा लखन शुरू कर वरना ये देवता नाव पर नहीं बिठाएगा। अब दोनों भाई मंत्र बोलते हैं और केवट भगवान के द्वारा बोले हुए मंत्रों से अपने पितरों का तर्पण किया। धन्य है केवट की फकीरी, खुद तरा, परिवार वालों को तारा, गांव वालों को तारा और आज पूर्वजों को भी भव सागर पार कर दिया। अब भगवान ने केवट को कहा केवट अब तो नाव पर बैठ जाऊंगा। केवट ने कहा मालिक बस दो मिनट और, हद हो गई केवट, अब क्या बचा। केवट ने कहा ठहरी हमारा, मुझे आपके पैरों से खतरा नहीं है। तो मुझे आपके पैरों में जो धूल लग जाती है ना, मुझे उस धूल से खतरा है। तो केवट ने कहा इसलिए महाराज अभी अभी मैंने चरण धोया है, आप ऐसे नंगे पांव जाएंगे धूल लग जाएगी, खतरा वही का वही हो जाएगा। इसलिए केवट भगवान के सामने आकर लेट गया, कहा महाराज मेरे पीठ पर पांव रखते हुए तब नाव पर बैठिए ताकि आपके पांव में धूल न लग जाए। लेकिन ये तो ऊपर का भाव है, भीतर से केवट ये चाहता है कि मैंने भगवान राम का चरण धोया, इस बात का भविष्य में मुझे कभी अभिमान न आ जाए, इसलिए भगवान के चरणों के नीचे आ जाता हूं, हमारा अहंकार जलकर हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो। इसलिए चरणों के नीचे आ जाते, और भगवान खुद केवट के ऊपर पांव रखते हुए सियादों समेत नाव पर विराजमान हुए। अब नाव पर बिठा कर केवट भगवान को लेकर उस पार कर, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में
भगवान को लेकर के केवल उस बार चला है और उस कथाएं कल 12 बजे अभी 4 बज चुके हैं। आज की कथा यहाँ पर विराम, हरि राम श्री को विराम करते हैं, कल 12 बजे फिर मुलाकात होगी। श्रीमती सरोज दीक्षित जी, श्रीमती रूपा तिवारी जी, श्री सतीश नारंग जी, श्रीमती राज नारंग जी, श्री दिनेश नेगी जी अपनी पत्नी कौशल्या देवी जी के साथ में कृपया मंच पर आ जाइए। श्री वासुदेव चौरसिया जी, श्री बाबूलाल शर्मा जी, श्री विशाल पाराशर जी, श्रीमती पूजा पाराशर जी, बापू भगत जी राड़े गाँव से, कुंती देवी जी बयाना से, वासुदेव जी शर्मा राड़े गाँव से, सुरेश जी रामदयाल जी, जगदीश चंद सराफ जी बयाना से, कृपया मंच पर आरती के लिए आ जाइए। श्री गोविंद शर्मा जी दिल्ली से आए हुए हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आरती के लिए आ जाइए। चलते हैं सभी आरती की ओर। रामायण जी की आरती। तीरति काली तो ललित सीती आरती Thank you.
के जाने के लिए मान बोले।